बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दिस योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वन वनगाम आई वेलकम यू वंस अगेन इन माय क्लास टुडे वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर एंड द एट द एंड ऑफ योर लेसन, इट्स क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश यू में प्लीज गो टू पेज नंबर फिफ्टी सिक्स रीडिंग इज फन वो हमने ऑलरेडी किया है और देन वी हैव लैंग्वेज वर्क इन टू पेज नंबर इट इज ऑन द पेज नंबर फिफ्टी सिक्स राइट टी और एफ अगेन्स्ट ईच सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट आंसर अगेंस्ट द स्पेस प्रोवाइडेड एंड इफ इट इज ट्रू प्रोटेक्ट करेक्ट अगेंस्ट द स्पेस इसका ये मतलब है कि हाँ मैं ये पूछ रहा कि अगर नीचे जो दिए गए स्टेटमेंट है अगर ये सही है अगर आपको सही लग रहा है तो आप इस पे टी लगा दीजिए मतलब ट्रू अगर ये गलत है तो आप फॉल्स एफ का अल्फाबेट लगा दीजिए मतलब कि ये फॉल्स है अब जो भी हमारा स्टेटमेंट जो इन्होंने बुक पे दिया है कोई स्टेटमेंट फॉल्स आपको लग रहा है तो उसमें आप बता दीजिए गलत क्यों है तो उसका आंसर दीजिए सही क्या है तो हमारा पहला है द रूम ऑफ अबू बिन आदम इज मेड ब्यूटफुल बाय सनलाइट जो हमने पॉइम पढ़ी अबू बिन आदम उसका जो कमरा था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था सवाल हमें पूछ रहा है कि सनलाइट की वजह से लग रहा था ये गलत है बिल्कुल क्योंकि अबू बिन आदम सो रहे थे वो खाब में जाग गए तो तेज उनके कमरे में जो लाइट आ गई वो तो मून लाइट थी वो सूरज की लाइट नहीं थी वो चांद की चमकती हुई रोशनी थी इसका मतलब ये गलत है तो हमारा जवाब है इसके लिए द रोम ऑफ अबू बिन आदम इज मेड ब्यूटिफुल बाय मून लाइट मतलब कि चांद की जो रोशनी थी उनकी वजह से उसका रोम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था ना कि सनलाइट की, की वजह से हमारा दूसरा है स्टेटमेंट इन बुक पे है द रूम ऑफ अबू इज कम्पेयर विदो रोज़ जो अबू बिन आदम का रोम था उसको आपने पढ़ा पाइम में उसको पाइम पॉइंट ने लिली के साथ कंपेयर किया था ब्लॉज रोज के साथ नहीं बल्कि वहां पे उन्होंने बोला था कि उसको कंपेयर किया गया था उसको तशबी दी गई थी लिल्ली की जब वो एक लिल्ली खिलता है खिलता हुआ लिल्ली की तरह उसका रोम था तो ये गलत है तो उसका जवाब है द रोम ऑफ अबू इज कम्पेयर विदोजमिंग रोज हमारा तीसरा है द एंजल रोड द नेम्स ऑफ दोज होम द लॉर्ड लव मोस्ट जो ये एंजल था जो फरिश्ता था उसने बुक पे किनका इनका नाम लिखा था उन लोगों का जिन जो ऊपर वाले से बहुत प्यार करते हैं तो ये ट्रू है इसका मतलब ये सही है चौथा है द नेम ऑफ अबू एट द बॉटम तो फिर जब उन्होंने जब फरिश्ते ने नाम लिखा तो उसके सबसे टॉप पे उन्होंने अबू बिन आदम का नाम लिखा था ये बोल रहे हैं कि सवाल हमारा है कि उसका नाम नीचे दिया गया था ये बिल्कुल गलत है चूंकि उनका नाम आगे सबसे पहले था द नेम ऑफ अबू अपियोर्ड एट द टॉप लीडिंग एवरी सबसे पहले सबसे आगे उन्हीं का नाम था तो फिफ्थ वन इज अबू बिन आदम वॉज स्लीपिंग एंजल कैम्प टू हिस्स रूम जो अबू बिन आदम थे क्या वो सो रहे थे जब उनके कमरे में एंजल आ गए फरिश्ता आ गए हाँ वो सो रहे थे मतलब ये ठीक है इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो उसके बाद आप जाइए पेज नंबर फिफ्टी सेवन पे वहां पे है पिक आउट द एब्सट्रैक्ट नाउन्स यूज इन दाइम जो पइम में एबस्ट्रैक्ट नाउनस हैं उनको आप निकाल के अपनी कॉपी पे आ, लिख दीजिए ये सवाल है हमारा तो इससे पहले हम देखते हैं कि एबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है क्योंकि किसने बोला है एबस्ट्रैक्ट नाउनस को आप पिक करके चूज करके उनको आप निकाल दीजिए लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए एबस्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है मैंने आपको पहले भी पढ़ा है नाउन और इट्स टाइप्स हाँ आज मैं फिर भी एक थोड़ा सा आपको बताऊंगी नाउन जो है नाउन इज़ ए नैमी वर्ड किसी चीज़ का भी नाम किसी जगह का नाम किसी शख्स का नाम किसी चीज़ का नाम उसको हम नाउन कहते हैं ए वर्ड दैट इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग प्लेस और ए पर्सन इन शॉर्ट नाउन इज नेमिंग वर्ड मतलब किसी का भी नाम हम लेंगे किसी चीज़ का जो उसको हम नाउन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसका किसी का नाम जुबैर है मतलब जुबैर नाउन है बुक ये नाउन है किसी प्लेस का नाम कशलू है वनगाम है उतरगाम है इसको हम नाउन बोलते हैं तो अब इसने पूछा है कि एबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है एबस्ट्रैक्ट नाउन ए नाउन दैट रिफर्स टू थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट एबस्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली ये है जो हम आँख से जो हमारे फाइव सेंसेस हैं आँख है नाक है कान है हमारी सिकिन है हमारे ये टंग है इन चीज़ों से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना टच कर सकते ना हम देख सकते ना हम सोंग सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली ये क्या है एक कंक्रीट कोई चीज़ नहीं है जिसको हम छू सके जिसको हम टच करें ये ऐसा कुछ चीज़ नहीं ये सिर्फ एक आइडिया है एक स्टेट है मतलब जैसे हम कभी कभार बहुत खुश होते हैं या हमें कभी कभार बहुत परेशानी होती है या हम कभी कभार सच बोल देते हैं सच्चाई जो होती है इंच इस चीज़ को हम एबस्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं हमारे बुक में जितने भी एबस्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं वो आपको खुद वैसे निकालने थे या आपको मैं यूँ कहूँ कि एब्सट्रैक्ट नाउन इसका मतलब है वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते फील नहीं कर सकते बट उनको हम महसूस भी नहीं कर सकते बट वो एक इमोशन होता है एबस्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू समझेबल सच एज एन इमोशन फीलिंग क्वालिटी आइडिया और कॉन्सेप्ट इमोशन में मतलब कि हमें गुस्सा आता है कभी कभार या हम बहुत खुश होते हैं फीलिंग हमारी हमें बहुत डर लगता है कभी कभार या हमें किसी चीज़ को बहुत तड़प होती है देखने की क्वालिटी इंसान में बहुत हिम्मत होती है इंसान में बहुत पेशेंस होती है पेशंस वनान्क इंसानस मार्ह हिम्मत आम चीज़ें उस हेको व्यक्षित कह या किसी चीज का आइडिया मतलब हम जब कंफर्ट फील करते हैं आराम व्याम देह से फील करा या इन सब चीजों के किसमें आते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम टच फील या देखने से जो हमारे फाइव सेंस हैं वो उनको कुछ उन मतलब यहां पर एबस्ट्रैक्ट ना उनको उनसे हम नहीं देख सकते हैं एबस्ट्रैक्ट न मतलब उनका वो फिजिकल ऑब्जेक्ट वो नहीं होते हैं जब हम जिसको हम स, स, देख नहीं सकते हैं सुन नहीं सकते हैं टच नहीं कर सकते स्मेल नहीं कर सकते टेस्ट फिर क्या है एबस्ट्रैक्ट चीज सिर्फ एक इमोशन है एक फीलिंग है एक क्वालिटी है एक आइडिया है तो हम आप अपनी बुक पे जाइए वहां पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे एंजल है फरिश्ता उसको हम देख ही नहीं सकते हैं टच नहीं कर सकते विजन है लव प्यार पीस अमन ड्रीम ख्वाब ये सब चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते जैसे हैप्पीनेस ऑनेस्टी लिबर्टी डेंजर ट्रूथ ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउंस में आते हैं आई होप आपने समझ लिया होगा इसके बाद हमारा सी पार्ट है फॉर्म कंपाउंड नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग ए वर्ड टू इट जो बोलता है कि आप नीचे दिए गए वर्ड्स जिन्होंने हमने दिए हैं इनको ऑफ कंपाउंड नाउन बना दीजिए कंपाउंड नाउन वो होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा वर्ड्स जब मिलते हैं कंपाउंड नाउन कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स दैट ज्वाइन टूगेदर टू मेक ए सिंगल वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड टू मेक ए न्यू नाउन टू मेक न्यू सिंगल वर्ड जैसे की की एंड बोर्ड ये एक ही वर्ड बनता है कीबोर्ड जब हम दो चीजों को दो सॉरी दो वर्ड्स को दो नाउन्स को मिलाते हैं वहां पे एक सिंगल वर्ड बनता है या एक सिंगल नाउन बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं आपकी बुक में दिए गए हैं टूथ अगर हम इसमें और एक वर्ड लगाएंगे ब्रश तो ये टूथ ब्रश बनता है सिंगल वर्ड क्लास क्लास रूम आफ्टर उसके बाद है आइस वहां दिया गया अगर हम आइस के साथ क्रीम मिलाते हैं आइस प्लस क्रीम ये बनता है आइसक्रीम डस्टबिन डस्ट प्लस बिन नहीं बनता है डस्टबिन गुड एंड नाइट गुड नाइट स्विमिंग पूल हम स्विमिंग पूल ये एक वाटर ये बेसन होता है जैसे जिसमें हम स्विम करते हैं यहाँ पे वैसे कश्मीर में ये नहीं होता है ज्यादा किसी के घर में नहीं है बाहर स्विमिंग पूल्स बहुत आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट हर घर के सामने या पीछे होता है तो वो एंजॉय करते हैं स्विमिंग उसमें स्विमिंग प्लस पूल तो स्विमिंग पूल फिर ब्लैक लिखा है ब्लैक प्लस बोर्ड इसको हम ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं फाइन शॉर्ट सॉरी फाइन आर्ट हम फाइन प्लस आर्ट फाइन आर्ट बना सकते हैं वहां पे पोर्ट दिया गया पी ओ टी पोर्ट शॉर्ट वो शार्ट पोर्ट शार्ट उसको बोलते हैं जो हम रेंडमली कभी शार्ट लेते हैं बिना सोचे बिना समझे ऐसे फटाफट सुनो फ्लैक्स जब वो हमारे बर्फ गिरती हैं शिनपिंद या चू न्यूज़ वहाँ दिया गया है तो अगर हम इसके साथ पेपर ऐड करेंगे तो ये न्यूज़ पेपर अखबार बनता है आज के लिए इतना है आई होप आपको सब समझ आया होगा अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए आप अपना ख्याल रखिएगा हाफिज़